नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टाल पर, जहां पर हम जानने वाले हैं हमेशा की तरह देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण और काम की है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इस बुलेटिन वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही इन खबरों से जुड़े रहने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों का सिलसिला। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,156 नए मामले आए सामने। मार्च 2020 से अब तक सबसे ज्यादा 98.20% रिकवरी रेट। दिल्ली में तटीय सुरक्षा के विषय पर गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की हुई बैठक, अमित शाह ने की अध्यक्षता। दुनिया के 20 करोड़ बच्चों पर मंडराया शिक्षा से वंचित होने का खतरा, रिमोट लर्निंग मुहैया नहीं करा पाने वाले मुल्कों में रहते हैं ये छात्र। सुरक्षा परिषद के डिबेट में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूएन और क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग को लेकर होगी बहस। कर्नाटक के धारवाड़ में शुरू हुई आरएसएस की 3 दिवसीय बड़ी बैठक, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर रहेगा फोकस। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, कहा बाला साहेब होते तो यह नहीं होता मंजूर। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हुए स्वस्थ, एम्स में हुए डिस्चार्ज, मंत्री सुब्रत मुखर्जी अब भी खतरे से बाहर नहीं। इटली की राजधानी रोम में G20 के फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक होगी, निर्मला सीतारमण लेगी हिस्सा। वैक्सीन खरीदने के लिए मोदी सरकार ने चीन स्थित AIIB बैंक से मांगा कर्ज, इस पैसे से 67 करोड़ डोज खरीदेगी सरकार। फटाकों पर रोक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, हर कोई जानता है दिल्ली के लोगों पर क्या बीत रही, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिणी भारत पर जोर, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की कवायद में लॉन्च किया गया मेगा प्रोजेक्ट। भारत शांति प्रिय देश, जरूरत पड़ी तो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार, बोले राजनाथ सिंह। अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी ने यूपी के 30 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को भेजा दिवाली गिफ्ट। आर्यन खान के सपोर्ट में उतरे एक बार फिर ऋतिक रोशन, जमानत नहीं मिलने पर कहा ये सब काफी दुखद। पेगासस से भारत का आंतरिक मामला, इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने मीडिया से बातचीत में कही बड़ी बात। 2022 में हमारी पार्टनरशिप के पूरे होंगे 30 साल, भारत आसियान के संबंध को पीएम मोदी ने बताया मजबूत। यूपी में चलता होगा यहां पर नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जोड़े की शादी के बाद गिरफ्तारी के मामले में यूपी पुलिस को लगाई फटकार। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव का हुआ आगाज, हेमंत सोरेन और भूपेश बघेल की उपस्थिति में रंगारंग कार्यक्रम की हुई शुरुआत। उत्तर प्रदेश के 68 लाख छात्रों को जल्द मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन, सीएम योगी ने किया नवम्बर में वितरण करने का ऐलान। समीर वानखेड़े की बहन ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, NCW से मांगी मदद। मनीष भंगाले नाम के हैकर का बड़ा खुलासा, अजयन खान की चैट मॉडिफाइड करने और पूजा ददलानी की कॉल डिटेल निकलाने के लिए मिला 5 लाख का ऑफर। उज्बेकिस्तान में भारत के इलेक्शन कमीशन का डंका, चुनाव आयोग की देखरेख में हुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच मंदिर विवाद ने लिया जन्म, बॉर्डर पर बने ज्वालेश्वर धाम पर दोनों ने किया दावा। यूपी में सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल, सीएम योगी ने इसके लिए बुलाई अहम बैठक। ICICI बैंक का भारतीय सेना के जवानों के लिए खास अकाउंट, मिलेगा 50 लाख का दुर्घटना बीमा। सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट, बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में भारी बिकवाली। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार की रिश्तेदार के घर ईडी का छापेमारी, सरकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में एजेंसी कर रही है जांच।
पंजाब के अंदर हाईटेक चेक पॉइंट मिला खाली तो डिप्टी सीएम ने रोका काफिला। लापरवाही के मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ताइवान की राष्ट्रपति की ड्रैगन को 2-2। कहा चीन के खिलाफ नहीं है अकेले, अमेरिका दे रहा ट्रेनिंग। त्रिपुरा में अब बीजेपी को लगेगा झटका। 31 अक्टूबर को अभिषेक बैनर्जी जाएंगे अगरतला। असंतुष्ट एमएलए आशीष दास टीएमसी में होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से बिगड़ने लगी। पंजाब हरियाणा में पराली जलने से अगले 3 दिन में और खराब होने की आशंका। अमृतसर में फिर दिखा ड्रोन, बीएसएफ ने वापस खदेड़ा, सर्च ऑपरेशन जारी। चीन ने किया पानी के भीतर विस्फोट, टुकड़ों में बिखरा बंदरगाह। ड्रैगन ने कहा यूएस के खिलाफ करेंगे इस्तेमाल। लखीमपुर हिंसा केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई टली, अब 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय एयरटेल को दिया बड़ा झटका। कंपनी को मिलने वाले 923 करोड़ के जीएसटी रिफंड पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश के बरुआ दर्रे के पास 15,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी को मिले लापता ट्रैकर्स के 300 जवानों ने बर्फ से निकाली बॉडी। पंजाब में कैप्टन के पार्टी बनाने के ऐलान पर बोले सिद्धू, पंजाब के जयचंद और फूंके हुए कारतूस है अमरिंदर सिंह। जम्मू कश्मीर में खाई में गिरी बस, 11 की मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों और घायलों के लिए किया मदद राशि का ऐलान। चीन का हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट स्पुतनिक के मूवमेंट के बेहद करीब, बोले यूएस के टॉप जनरल मार्क मिली। मध्य प्रदेश के बाजारों में ना लगे जाम, इसके लिए बनाई गई यातायात व्यवस्था। 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मार्केट में नहीं आ सकेंगे व्हीकल। वकार यूनिस के नमाज वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, पाकिस्तान को बताया मानसिक बीमार। टीएलपी ने पाकिस्तान में काटा बवाल तो नींद से जागी इमरान सरकार, अब आतंकी संगठन के तौर पर कार्रवाई का ऐलान। कश्मीर के आसपास मौजूद आतंकी संगठनों को मदद पहुंचा सकता है तालिबान सरकार, पेंटागन ने कहा अलर्ट रहे भारत। सरकारी नौकरी और 50,00,000 मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठा लखबीर सिंह का परिवार, समर्थन में हजारों लोग पहुंचे सिंगू बॉर्डर। डिटर्जेंट पाउडर से लेकर शैंपू तक हो गए महंगे, पीएनजी ने सभी प्रोडक्ट्स के दाम 4 से 11% तक बढ़ाए। मुजफ्फरनगर में पाक से ओवैसी का सवाल, इस्लाम का क्रिकेट में से क्या लेना देना है, रसीद को बताया पागल। 30 अक्टूबर को देहरादून के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, उत्तराखंड में चुनावी अभियान को करेंगे शुरुआत। लखीमपुर कांड के बाद बड़ा एक्शन, योगी सरकार ने डीएम को हटाया, 12 आईएएस और 9 आईपीएस का तबादला। पीएम मोदी करेंगे 19 से 31 अक्टूबर तक इटली का दौरा, G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग, पिछले साल हुई थी वर्चुअल बैठक। समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी से 3 दिन पहले देना होगा नोटिस। चक्रव्यूह में फंसे समीर वानखेड़े, 4 एफआईआर दर्ज, विभागीय जांच के साथ मुंबई पुलिस ने भी शुरू की कार्यवाही। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।